नौवें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी, जो सिख इतिहास में साहस, बलिदान और सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में उभरे हैं। उनके पिता का जीवन निस्वार्थता और त्याग की गहरी भावना से भरा है। 1621 में जन्मे श्री गुरु तेग बहादुर जी ने शांत स्वभाव और न्याय की भावना के साथ अपने समय की चुनौतियों का सामना किया। उनकी आध्यात्मिक यात्रा विनम्रता और करुणा से भरी है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन का निर्णायक क्षण तब आया जब वह अपने पुत्र श्री गुरु गोविंद राय के आदेश पर मुगल सम्राट औरंगजेब की दमनकारी नीतियों के खिलाफ खड़े हुए, जिसने कश्मीरी पंडितों को जबरन इस्लाम में परिवर्तित करने की कोशिश की थी। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने जोखिमों का डटकर मुकाबला किया और बड़े साहस और भक्ति के साथ उत्पीड़न का बहादुरी से सामना किया। कारावास, यातना और अकल्पनीय कठिनाइयों का सहन करते हुए श्री गुरु तेग बहादुर जी मानवता के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहे और 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु जी का सर काट दिया गया और अस्तित्व की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया और हिंद की चादर कहलाए। गुरु तेग बहादुर जी अमर हो गए और दुनिया के सर चांदनी चौक पर झुकने लगे। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान सभी सीमाओं से पार है, जो मानवता के लिए त्याग, साहस और करुणा के निस्वार्थ कार्य का एक साक्षात उदाहरण है। श्री गुरु तेग बहादुर जी की विरासत की आध्यात्मिक गहराई श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज छंदों और शिक्षाओं में गूंजती है। गुरु तेग बहादुर जी का जीवन सिद्ध हस्त, करुणा, त्याग और सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से ओतप्रोत है। उनकी शहादती विरासत समय के गलियारों में गूंजती रहती है। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन सिर्फ एक ऐतिहासिक अध्याय नहीं है, यह उन सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का जोरदार आह्वान है, जो एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज का आधार है।